गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि एक्सरसाइज 13.2 को हम बता रहे थे, उसका लास्ट क्वेश्चन को बता दिया गया। आज मैं एक ऐसे क्वेश्चन को लेके आप लोगों के बीच आया हूँ जो कि परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है। तो इस दो क्वेश्चन को आज हम विधिवत तरीका से इसको बाय प्रोसेस बताएंगे और ट्रिक के द्वारा भी बताएंगे, दोनों तरीका से बताएंगे। ऐसा स्थिति विद्यार्थी के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी बड़ा सवाल भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ जाता है, तो उस स्थिति में बड़ा सवाल को कैसे कम समय में बनाए, इसके भी ट्रिक के बारे में बताऊँगा। और ये भी आप लोगों को आज हम बताने वाले हैं कि कैसे बाई प्रोसेस कैसे बनेगा। अगर दो नंबर में पूछेगा तो कैसे बनाएं, अगर एक नंबर में पूछेगा तो तुरंत आंसर ट्रिक के द्वारा कैसे निकालें, तो ये बताने वाले हैं, जो कि प्रायः ही परीक्षा में देखते हैं कि पूछा ही पूछा जाता है। तो देखिए क्या है दिया हुआ सवाल में, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियाँ बनाई जा सकती हैं। सेम ऐसा है सवाल, दूसरा को सवाल भी दे दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियाँ बनाई जा सकती है। सेम सवाल है और बाय प्रोसेस करके भी बताएंगे और ट्रिक के द्वारा भी बताएंगे। तो हम चाहेंगे कि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम इसको आज विधिवत तरीका से बताते हैं कि देखिए आप सबसे पहले देखिए कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलियाँ कितनी गोलियाँ बनाई जा सकती है। क्योंकि ये बात जान लीजिए कि पिघलाने गलाने की अगर बात होगी तो हमेशा आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम निकालते हैं, ये बात तो स्पष्ट हो गया। अब देखिए इसमें क्या दिया, पहला में सवाल में देखिए क्या दिया। पहला सवाल का हल होगा यहाँ से कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघला कर, एक गोला हो गया आपका 8 सेंटीमीटर का, एक गोला हो गया और एक गोला क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का हो गया। मान लिया जाए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, मान ले इसको 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का और इसको मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, मान लें 8 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला और ये क्या है मेटल का है, क्या हो गया इसको पिघलाएंगे गलाएंगे कुछ भी करना होगा तो इसका आयतन ही निकालेंगे। और इसे पूछता कि ऐसा ये मेटल को गलाने के बाद 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना गोलियां बनाई जा सकती है। तो बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको कि इस बड़े गोले के आयतन में 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन में जब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आपको गोलियों की संख्या निकल जाता है, जो कि दोनों सवाल में एक ही विधि है। ठीक है, तो वही हम कर लेते हैं। क्या क्या पूछा जा रहा है देखिए, क्या पूछा जा रहा है कितने गोलियां बनाई जा सकती हैं, यानी गोलियों की संख्या पूछा जा रहा है। तो देखेंगे, लिखेंगे गोलियों की संख्या, क्या लिखेंगे गोलियों, ये ना गोलियां, गोलियां की गोलियों, गोलियां कितनी गोलियां, गोलियां की संख्या, गोलियां की गोलियों की संख्या कर लेते हैं, गोलियों गोलियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 8 cm त्रिज्या वाले वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। अब हम इसको फिगर को मिटा लेते हैं, आयतन बाय 1 सेंटीमीटर, 1 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन, यानी क्या किए
बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन से भाग देने पर आपको अविष्ट गोलियों की संख्या निकल जाता है। अब वही काम को करना है, क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो गोला का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 πr³। तो 4/3 रहेगा पाई, एस पाई ही लिख देंगे, 4/3 πr³, आर है 8, तो क्या लिख सकते, 8 × 8 × 8, ठीक है। ये हो गया 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वही होगा, इसमें भी आएगा 4/3 πr रहेगा और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो गुना 1 × 1 × 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिए 4/3 πr दोनों में है, कटा कैंसिल हो गया, तो ऊपर का कितना आया, 8 × 8 × 8 आया, नीचे में क्या आया, 1 × 1 × 1 आया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 512, और एक में एक से 3 बार गुना करेंगे तो एक ही आएगा, यानी 512 गोलियां बनाई जा सकती है, गोलियां। आंसर क्या मिला, 512 गोलियां। सेम यही सवाल आपका दूसरा नंबर का भी सवाल है, सेम सवाल है, तो कैसे बनाएंगे, फिर लिख लेते हैं, फिर दूसरा को देख लेते हैं, दूसरा में क्या लिखेंगे, फिर क्या पूछा जा रहा है, कितने गोलियां बनाई जा सकती हैं, तो अभीष्ट गोलियों की संख्या लिख सकते हैं, अभीष्ट गोलियों की संख्या, अभीष्ट गोलियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अभीष्ट गोलियों की संख्या बराबर हो जाएगा, अब इसमें कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो क्या करेंगे, 12 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है, अब बाई कितना, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, 1 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन। ये तो आपका फॉर्मूला टाइप का हो गया, अब क्या करना है, केवल क्या करना है, गोला का त्रिज्या क्या होता है, 4/3 πr³, तो 4/3 लिखेंगे, 4/3 π भी लिखेंगे, या गुना आर के जगह पर हम केवल क्या करेंगे, 12 × 12 × 12, सेम बात वही, 4/3 नीचे में ही आएगा, गोला का आयतन निकाल लेंगे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का, तो कितना, 4/3 π और गुना 1 × 1 × 1 बराबर का कितना हो जाएगा, देखिए 4/3 π कैंसिल, तो ऊपर का आया 12 × 12 × 12 × 12 × 12 अब बाई कितना, 1 × 1 × 1, यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे ऊपर में तो आपका आ जाएगा 1728/1 बराबर कितना हो गया, 1728 यानी 1728 गोलियाँ बनेगा, गोलियाँ, ठीक है, यही आपका आंसर रहा, फाइनल आंसर रहा, ठीक है। ये तो आपको अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप ऐसे बताते हैं, और अगर शॉर्ट तरीका से पूछा जाए, 1 नंबर का क्वेश्चन आंसर निकालने का तरीका बताया जाए, पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे कि बड़ा त्रिज्या में छोटे त्रिज्या से भाग दे देंगे, क्यों करके, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये तो कैंसिल हो ही जाता है, ये कैंसिल हो ही जाता है, तो त्रिज्या जो आता है उसी का 3 times किया हुआ रहता है, इसका देखिए इसका त्रिज्या को 3 times कर लेंगे तो 8 × 8 × 8, देखिए 8 × 8 इतना निकालेंगे, तो ये क्यों याद होना चाहिए, तो 512/1 तो 512 गोलियाँ होंगे। फिर इसमें भी देखेंगे वही बात कि ये कैंसिल होगा, केवल इसको 3 times त्रिज्या को 3 times करके और दो त्रिज्या को 3 times करके गुना करके और जो सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन करते हैं वही आंसर निकल जाता है। इस प्रकार से
मैं आज आप लोगों को दो सवाल बताया जो कि परीक्षा में प्रायः पूछे ही जाते हैं। इसको बेसिक कंसेप्ट बना के आप लोग बराबर रिवाइज करें। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।